दुनिया देखेगी दो हिंदुस्तानियों का दम, दुनिया के दो ग्लोबल लीडर का जब होगा आमना सामना। क्या होगा जब दो हिंदुस्तानी शेर एक दूसरे के साथ मिलेंगे? एक का लोहा मान चुकी है पूरी दुनिया, दूसरे को खुद को साबित करना है। G20 का शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। दुनिया के 20 देशों के दिग्गज नेता एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया का बाली बनेगा गवाह। G20 के शिखर सम्मेलन में दुनिया के दो चिर परिचित प्रतिद्वंदी अमेरिका और चीन के राष्ट्राध्यक्ष भी मिलेंगे। फ्रांस और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष भी मिलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो से मिलेंगे। जर्मनी के चांसलर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग से भी हो सकती है, अभी साफ नहीं है। भारत की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी होगी। लेकिन इन सब से अलग दुनिया भर की नजर हिंदुस्तान के दो दिग्गजों की मुलाकात पर टिकी है। जी हां, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तानी मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच मुलाकात सबसे ज्यादा चर्चा में है। यूं तो ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें टेलीफोन पर बधाई दे दी थी, लेकिन पूरी दुनिया देखना चाहती है कि जब नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक मिलते हैं तब किस गर्मजोशी के साथ मुलाकात होगी। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी मूल के ऋषि सुनक के साथ मिलेंगे तो किस तरह से एक दूसरे से मुखातिब होंगे, कितनी गर्मजोशी दोनों की मुलाकात में होगी, क्या बात होगी और क्या हिंदुस्तान को लेकर दोनों के बीच चर्चा होती है। ऋषि सुनक भले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों, लेकिन उनमें हिंदुस्तानी संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। उन्होंने इसे कई बार साबित भी किया है। वो फिर चाहे गीता लेकर सांसद बनने की शपथ लेना हो या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने यहां दीपावली का जश्न मनाना हो, साधु संतों का सम्मान करना हो, पूजा पाठ में शामिल होना हो, ऐसे में भारतीय संस्कारों और आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत ऋषि सुनक जब भारत के आध्यात्मिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तब उनके बीच क्या कुछ बात होगी, वो बेहद दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैरों को भी अपना बना लेने की काबिलियत रखते हैं। जापान के पूर्व मरहूम प्रधानमंत्री सिंजो अबे हों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हों या फिर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में जब ऋषि सुनक के साथ मोदी की मुलाकात होगी तब उनसे किस तरह अपनी मित्रता गांठते हैं नरेंद्र मोदी, ये देखने वाली बात होगी। हिंदुस्तानी मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान में भी जश्न मना था। हिंदुस्तान के लोग गदगद थे कि एक हिंदुस्तानी अंग्रेजों के देश ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। लेकिन अब हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक की मुलाकात को लेकर बेहद उत्सुक है। ऋषि सुनक के लिए कहा जाता है कि भले वो भारतीय मूल के क्यों ना हो, लेकिन वो कट्टर ब्रितानी है, बल्कि कई नीतियां ऐसी हैं जो भारत के खिलाफ हैं उनकी। ऐसे में दो हिंदुस्तानी नेता जब मिलेंगे तो किस तरह मिलते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। यूं तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत ने शुरू से रूस का साथ दिया है, रूस का पक्ष लिया है और रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को खुलेआम स्वीकार भी किया है। पश्चिमी देशों की रूस से तेल आयात न करने की कोशिशों को भारत ने झटका भी दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब भारत की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय वार्ता होती है तब भारत किस तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को जवाब देता है, भारत किस मजबूती के साथ अपना पक्ष रखता है और क्या एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के पक्ष को समझ पाता है। सभी को मालूम है कि हिंदुस्तानी मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी भी भारतीय मूल की है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।